Hey guys, good morning, welcome back to my YouTube channel Brunch Vlogs। तो आज मैं जा रहा हूँ खरगोन, कुछ काम है मेरे को और मम्मी को कुछ सामान मंगाना था। तो मम्मी क्या मंगा रहे थे आप? वो लाइटर लाना है। हाँ, और रियाज के लिए चॉकलेट का मना कर दिया क्योंकि इसको बहुत खुजली हो रही है। कहाँ पे खुजली हो रही है? इसको पीछे इसको खुजली हो रही। जाओ रियाज में क्या लाना है? माँ कुछ भी खाने की चीज़ को माँ बोलता है। देखते हैं, चल अगर कुछ मिलेगा तो लाएंगे, नहीं तो फिर मीठा तो खा नहीं सकता तू अभी। ठीक है, बाय बाय कर दे। बाय मैं तो जा ला। बाय 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 जाता हूँ मम्मी। ठीक है, बाय। तो खरगोन जा रहा हूँ। और हाँ, ये जो शर्ट है ये मेरे को देना है पवन को, जो एक बार महेश्वर अभी हम गए थे ना मांडव जब गए थे तो उसका शर्ट ये मेरे बैग में रह गया था, तो ये भी उसको दे दूंगा खरगोन में। फिर आगे और भी कुछ काम है वो भी करने, मिलते रास्ते में। More than twice, same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fit. तो खरगोन आ चुके और मैंने जैसा कहा था कि पवन भाई का हमको देना है शर्ट, तो बैग के अंदर रखा हुआ है और पवन भाई साहब की दुकान देख लो, ये एकदम राजनगर गेट पे ही है और भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं। अच्छी दुकान जमाई है भाई साहब तुमने, अच्छी दिख रही है पूरी। तो ये कब अभी कल खोली? कब खोली? और तूने बुलाया नहीं ना ओपनिंग में, देख लूंगा। पार्टी कब देगा? चल आईफोन और दुकान की पार्टी कैंसिल होगी दोनों। वन ने अभी भी शॉप खोली है ये ऑनलाइन की। और ये पूरा देखो सामान वामान सब रखा हुआ है। पवन से बात करके हम निकल ही रहे थे और इधर भाई साहब लंबू पर भाई साहब आ गए हमारे, संदीप भाई। तो लंबे लंबे दोनों रूम पार्टनर है, देखो काश मैं भी इतना लंबा होता है। चल पवन भाई आते हैं, वापस आता हूँ। चल भाई पेट्रोल तो डलवा लिया, अब निकल रहे हम लोग मार्केट के लिए। आज हम लोग एक होटल में, भूख लगी है बहुत तेज, तो भाई साहब मेरे साथ आए हैं, देख लो कौन आया है। नानिया भाई और संतोष ऊपर गया हुआ है अभी, मतलब उसको कुछ शूट करना था तो ऊपर पहले चला गया। संतोष भी आया हुआ है और अभी हम जाएंगे और कुछ करेंगे ऑर्डर। बहुत तेज भूख लगी हुई है, इन लोगों ने बोला कि आईफोन की पार्टी तो दिन नहीं अभी तक। हाँ बिल्कुल है भैया, आईफोन की पार्टी दे रहे हैं और हमने बहुत पहले मांगी थी जब ये लाया था कि नहीं था। हाँ, खरगोन अभी टाइम मिला है, खरगोन अब जाके आया ना साथ में इसलिए। और मेरे दोस्तों को भी बोला था पर वो दोस्त उसकी दुकान पे बिजी है इस वजह से वो आ नहीं पाया। तो अभी चलते ऊपर और फिर करते हैं पार्टी। सो हम लोग आ गए हैं वापस से उसी जगह पे जहाँ पे हमने एक बार करी थी बर्थडे की पार्टी। बर्थडे की पार्टी करने के लिए भी इसी होटल में आए थे। आप लोग ने गेस तो कर ही लिया होगा क्योंकि उस टाइम पर भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा था कि ये होटल कौन सा वाला है। सो देख लो ये कौन सा है। तो ये कर रहे हैं अभी हम लोग डिसाइड कि क्या मंगाना है। इतना सारा क्या खाएगा बता। बर्थडे की पार्टी मनाई थी उस साइड, उन्होंने जो लंबी टेबल दिख रही ना यहीं पे मनाया था और केबी की पार्टी भी यहीं पे हुई थी और अब आईफोन की पार्टी भी यहीं पे हो रही है। तो ऑर्डर हमने कर दिया है पनीर टिक्का मसाला एक और रोटी सिंपल वाली जो कि तंदूरी हमको नहीं जमती, मोमोज ही हम खा लेते हैं। क्यों खा लेते ना, और कुछ सर कुछ लेना चाहिए खाना हो तो।
अभी आ रहा है, उसके बाद में खाते हैं, अपने हाथ पाथ धोके घुमाते चलिए। हाथ धोना जरूरी है ना खाना खाने से पहले। होटल में देखो नकली घासें बनाई जा रही है, तो ये नकली घासें यहीं कहीं रखी जाएगी। देखो एक तो वो रख दी है, बाकी उधर बैठेंगे अब अपन जाके। और ये होटल का लुक कुछ ऐसा है, इधर से नीचे से आते हैं और ये नीचे का कुछ एरिया देखो, राधा वल्लभ में है ये जगह। बहुत जोर से भूख लगी, घर से कुछ खा के नहीं आता, एक पोहे खा के आया था थोड़े से, और भूख बहुत ही ज़्यादा तेज लगी हुई है। अब वो जा रहे हैं, ये बैठे हुए भाई साहब, एक भाई साहब ये भी आए हुए हैं। सो 15 से 20 मिनट तो हो गए हम लोग का वेट करते करते, और मुझे मैं सोच रहा हूँ मेन्यू ही पढ़ के टाइम पास कर लेता हूँ, इससे पढ़ के ही मेरा पेट भर जाएगा ऐसा लग रहा है। एक बात और बताता हूँ, ये चीज़ आपके साथ हुई है कि नहीं हुई है ये बताना, क्योंकि देखो जब भी हम लोग कभी बाहर जाते हैं खाना खाने, क्योंकि हम ज़्यादा बाहर खाते नहीं है, घर का खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और जाते तो कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं, और उन नई चीज़ों में कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती है, समझ रहे हो ना, कैसी चीज़ें आ जाती है जो पसंद ही नहीं आती, बहुत बेकार लगती, फिर मजबूरी में खाना पड़ता है। तो इंदौर में भी ऐसा हुआ था हमारे साथ, हमने कुछ क्या मंगाया था, पनीर मंगाया था, और वो पनीर ऐसी पनीर आ गई थी कि खाया नहीं गया बाद में, जैसे जैसे उसको कंप्लीट करा और फिर गए वहाँ से हम लोग। तो वैसे ही अभी आज हमने कुछ नया मंगाया है, क्या था, पनीर मसाला कुछ था, पनीर टिक्का मसाला। सो आप लोगों ने खाया कि नहीं बताना, यहाँ फर्स्ट टाइम खा रहे हैं हम लोग ये चीज़। बाकी पनीर की सब्ज़ियाँ बहुत सारी खाई हैं, अभी तीखा हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, और अभी आ रहा है और आ गया है। तो ये देखो ये है पनीर टिक्का मसाला, दिखा देता हूँ, और मिर्ची, मज़ा आ गया। बाकी सलाद और ये नॉर्मल रोटी है, और अगर भूख लगेगी तो और कुछ करेंगे ऑर्डर, अभी तो इतने में देखते हैं पेट भरता है कि नहीं भरता। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है अब खाना हम लोग स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं टेस्ट कैसा क्या, एक मैं टेस्ट करके बता देता हूँ, तुम टेस्ट करता ट्राई करके बताते आपको कैसा है, जैसा मंगाया वैसा है भी। टेस्ट नॉर्मल पनीर की सब्जी सही है, क्या पता किसी को अलग भी लगे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यार। खाना कंप्लीट हो गया, बाद में नीचे जाके बताता हूँ कि हमने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नीचे जाके बताऊँगा, बिल दे देता हूँ उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। खाने के टाइम पे क्या हुआ मैं बताता हूँ आप। तो देखो जैसे कि मैंने खाने से पहले बताया था कि नहीं, जहाँ भी जाते हैं नई चीज़ें ट्राई करते हो, ये भी हमने नई चीज़ें ट्राई करी, और उसके बाद में हुआ क्या, वो जो आया वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगा हमको, कि तीखा मंगाया, तीखा तो पहले से था ही नहीं, और प्याज इतना सारा था कि पूछो मत। देखो बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जितने भी हम लोग आए थे ना हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया, और क्या पता दूसरे लोगों को पसंद आता होगा, हमको तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह जाएंगे और वहाँ पर कुछ खाएंगे, देखते शूट करूँगा तो बताऊँगा। एक दो काम थे वो तो हो गए, और मतलब देखो कॉलेज का कुछ काम था वो भी हो चुका है, अब दूसरे कुछ काम होंगे तो वो भी करके बताऊंगा। आज के बाद कुछ नया ट्राई भी करूंगा, तो पहले पता करूंगा कि कैसा लगता है। हमने पता है दो दो रोटियां खा के उठ के आगे वहाँ से, अब दूसरी जगह जा रहे हैं और वहाँ देखते हैं कुछ खाते हैं या नहीं। हमारा पेट तो भरा नहीं, अब हम जा रहे हैं सेव टमाटर की सब्ज़ी खाने, जो कि हमको बहुत ज़्यादा पसंद है सेव टमाटर की सब्ज़ी, और वो बहुत बार खा चुके हम लोग वैसे, पर वही अच्छी लगती है यार, बहुत मस्त लगती है। जाम देख लो भाई साहब, ट्रैफिक कितना सारा जाम हो गया है यहाँ पे। पेट में कितनी जगह भाई साहब, पेट में दो ही तो रोटी खाई यार, खाई तो दो ही, लेकिन दो भी पूरी नहीं खाई ना। और अभी यहाँ पे हमने सेव टमाटर की सब्जी मंगाई है, यहाँ पे पहले भी शूट किया है मैंने, आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार सेव टमाटर की सब्जी जब भी खाते हैं हम लोग, और अभी आ रही है, इसके बाद मैं दिखाता हूँ, दिखाया पहले भी है, एक बार और दिखाऊंगा। ये सेव टमाटर की सब्जी, और ये तो हमारी बहुत ज़्यादा फेवरेट बन चुकी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, कभी भी खराब ना हो तो ट्राई करके देख लेना। और ये रोटी रुमाली रोटी है, और पता ही एक ही प्लेट इतनी ज़्यादा आती थी, इसमें अपन 3-4 जन लोग आराम से खा सकते हैं, तो हम लोगों ने आधा इधर निकाल दिया आधा इधर निकाल दिया, और हम सब लोग अब इसको करते हैं फिनिश। हो गया खाना भाई साहब, कैसा लगा, मज़ा आया, मस्त, पेट भर गया, मेरा ज़्यादा खाया रे, सेव की सब्ज़ी में मज़ा आ ही जाता है। तो मम्मी ने मंगाया था लाइटर, और ये देखो ये रहा लाइटर, पर ये दुकान में कोई है ही नहीं, अभी ये दुकान वाले भैया को फोन किया, वो आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए हुए, आसपास ही शायद कहीं पे,
तो मैंने कॉल किया, अभी आ रहे यहाँ से, हर बार हम ले जाते ना इसलिए यहीं से ले जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से सब सामान अच्छा मिलता है उनको। तो अभी जैसे वो आते हैं फिर लेता हूँ लाइटर और एक दो काम और, उसके बाद मैं निकलता हूँ घर। दुकान वाले भैया आ चुके हैं और हम निकलवा रहे हैं लाइटर, ये वाला लाइटर। साथ में देखो एक चाकू भी फ्री आता है इसके, और इसकी प्राइस ओनली 70 रुपीज़। आ चुका हूँ घर और देखो हालत क्या खराब हो चुकी है। अभी मुँह धोऊंगा, मम्मी के लिए लाइटर लाया था, ये मम्मी ने मंगाया था, ये वाला मंगाया था ना बस। और रियाज के लिए चॉकलेट नहीं लाया क्योंकि उसको खुजली हो रही थी चॉकलेट खाने से, उसको पता नहीं खुजली हो रही है इसलिए लाया नहीं इस बार चॉकलेट। तो गाइस आज तो खरगो में मतलब जो काम थे वो सारे काम हो चुके हैं, और अभी ज़्यादा कितना टाइम हो गया है, लगभग 8 बज चुके हैं रात के। खरगोन से आते थे टाइम हो गया था, इस वजह से वीडियो का एंड भी थोड़ा लेट कर रहा हूँ। और रियांश इधर पीछे मस्ती कर रहा है और वो आ ही नहीं रहा है, उसको चॉकलेट का लालच दे देगा बुला रहा हूँ फिर भी नहीं आ रहा है, तो उसको मेरे को बैक कैमरे से ही बाय बुलवाना पड़ेगा, तभी वो बाय बोलेगा, वरना मेरे साथ बैठ के बोल नहीं रहा है वो अभी। सो बताना आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके, अगर ब्लॉग पसंद है तो ब्लॉग लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। रियांश बचा है, रियांश का बाय पे बाय।